हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं घर पे बैठ के भी काम ही कर रही हूँ अपना, एंड टाइम दिखाती हूँ। अभी टाइम देखो, 12:22 हो रहे हैं और ये आदमी अब उठ रहा है। ये तो इसके पेपर चल रहे हैं और ये इस टाइम उठ रहा है। तो 6 छुट्टियों में अगले पेपर का भी पढ़ना होता है ताकि अगली पेपर में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आज मम्मा ने देखो मेरे को क्या बना के दिया है, राजमा, बॉइल्ड राजमा, घिया, कैरेट और प्याज। टमाटर किन डाला और प्याज, और प्याज क्यों डाला है? टमाटर डालते, प्याज से कड़वा बना रहा है इसमें। थोड़ा नींबू डाला, खीरा भी है घी के साथ साथ। नींबू और चाट मसाला भी डाला है ना, पता चल रहा है उसका। तो आज इनको देखो, मटके को ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। पंकज उदास कौन है? क्या हो गया? गर्लफ्रेंड भाग गई तेरी? भाग गई तेरी गर्लफ्रेंड है? अभी तो बनी नहीं आएगी इसकी कोई। भाई फिर से लेट गया, बताओ फिर से लेट गया। कैमरा बंद होते ही ये घर हमारा कैमरे पे चलता है, बताओ। कैमरों के इशारे पे कैमरा ऑन करने लगी थी मैं, जैसे उस टाइम ही उठ गया था। अब सो गया, बताओ। वापिस उठ जा, उठ। क्या जमाना आ गया आजकल के, बच्चे सोते रहते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं सोता था कोई। हमें तो मम्मी पापा ना सुबह 9 बजे चद्दर खींच देते थे हमारे ऊपर से, फैन बंद कर देते थे और पानी गिरा देते थे रही और मेरे ऊपर। जब हम लोग पहले ऐसे सोते थे, या मम्मी पापा घर ही होते थे उस टाइम पे। बीच में तो मम्मी पापा काम पे जाते थे ना, इतने साल तो घर ही नहीं होते थे। तो भी पहले, उससे पहले मम्मी पापा हमें उठा देते थे और मतलब 9 बजे, पूरे 9 बजे हमारे ऊपर पानी की एक बॉटल, हमारी चादर छीन ली जाएगी, हमारे फैन बंद कर दिए जाएंगे, ये सब होता ही होता था। और पापा खींच खींच के हमें उठा देते, खड़ा करते थे कि ब्रश करो, खड़े हो जाओ। क्योंकि पहले ब्रश कर बिना ना हमें खाना मिलता था, ना हम मतलब नहाए बिना भी नहीं खाना मिलता था, हमें खाना ही नहीं मिलता था। ऐसे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे घर पे हमारे। सो काम से ब्रेक लेके हमें खाने का टाइम मम्मा ने बनाया राजमा चावल, जैसे मैंने पहले बताया था, राजमा के साथ चावल। ये हमारे रूम में ना लाइट कम आती है व्लॉग में बहुत, देखो अभी बड़ी गंदी आ रही है। ऐसे बनाना चाहिए व्लॉग में यूं लाइट कर। अब आ रही है आपकी शक्ल गोरी। ऐसे बनाना होता है व्लॉग, हम लाइट बंद करके बनाते रहते हैं। जब देखो खा रहे हैं हम राजमा चावल, कन्नू भी खा रहा है बैठ के। देखो ये कन्नू हमेशा लेट के खाना खाता है, इसको मम्मा बहुत डांटती है, तब भी हमेशा लेट रहता है। व्लॉग लगा लिया साथ में, मैंने अपने काम से ब्रेक ले लिया। लैपटॉप बंद करो, इसको बंद कर दिया है। वो तो कभी भी कर सकते हैं, लंच तो अपनी मर्जी होती है। साथ में रहता एंड खीरा लाई है मम्मा, अब खाते हैं। भाई रिया आ गई, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई आज? अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 2:36 हो रहे हैं। है? बस 2 घंटे के लिए गई थी आज, 3-4 घंटे। इतनी जल्दी आ गई है और कन्नू ना इसके चावल खा गया था, उसको लग रहा था रिया आएगी नहीं अभी। कन्नू रिया के चावल भी खा गया, राजमा भी खा गया, तो अब रिया के लिए बस एक कटोरी राजमा और एक कटोरी चावल पड़े। तेरे लिए चावल तो देख नहीं पड़े, उसको लगा तू आई नहीं रही। मम्मा ने दिन में 3री बार चावल बनाए हैं, एक बार रिया के लिए बनाए थे सुबह। भीड़ देख लो चांदनी चौक में मम्मा, एक बारी वही तो भीड़ आती है ना, मतलब पैदल चलने वाला जाम था इस दिन, पैदल चलने वाला। ट्रेन जा रही है, देखो ऊपर जी। ये पापा को देखो, कुछ देखते नहीं है, ब्लॉग फोन में लगा रहते मेंटल। भाई पढ़ने नहीं देते हैं, सॉरी काम नहीं करने देते हैं, पढ़ने कन्नू को नहीं देते हम लोग, और मुझे काम नहीं करने देते हैं। मम्मा बना रही है भेज पूरी, मम्मा को खाने का मन लगा था भेज पूरी। कन्नू कह रहे से पहले प्याज टमाटर सब काट ली, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं ना बैठ के, अच्छा सॉरी पहाड़ देख रहे हैं, बताओ बैठ के। वाओ, पापा को पिछले 4 घंटे से ब्लॉग हम बना रहे हैं और
यहीं बैठे हैं फोन लेके अपना कैंडी क्रश ओहो बना गए बनाए पापा और कुछ करना है इसीलिए इसीलिए बैठते हो घर ये क्या एक पहले बनाया बस आपने तो खानी नहीं बताओ बेड के नीचे लगे हो रैपर मेरा तो वर्त है आपने नहीं खानी अरे पानी डालो बहुत कम डाला है अभी और नींबू भी डाल दो इसमें मम्मी वैसे लेने 3 इडियट्स में जो आता है वो ब्लैक मशीन हैं जो आटे में बाल में अच्छा मम्मी वहां वो कहां से लग रही है वैसे बना रही है भाई ये बंदा मुझसे पैसे ही मांग रहा था जब देखो तो इसको लगता है इसको लगता है मैं एटीएम हूँ और ये ऐसे बटन दबाएगा पैसे दे तो मैं मुंह से पैसे निकालूंगा ऐसा तो चाहते पापा चाहते कि मेरी बेटी एटीएम होती काश पापा अगर एटीएम को अपनी बेटी बना सकते ना तो पापा उसी को बना लेते पापा बोलते हैं इसको ले जाओ इसकी बदला मुझे एटीएम सब यही करेंगे कैसा इंसान है तेरे बदले एटीएम ले ले सकते हैं हम इसमें घी हटा रहा है पूछ रही हूँ रिया का मुंह देखो इतना सा छोटा सा बंद कर रहे हैं चला उसको इसकी बाजू भी छोटी सी है भाई मैं जिम से घर आई थी और घर आके बस कपड़े चेंज किए हैं पता चला है भाजी बनी हुई है डिनर में बताओ पाव भाजी फिर दोबारा डिनर में बना ली है और आज घर में ब्रेड कौन बना रहा है ओह माय गॉड रिया इन द किचन रिया के लवर्स कमेंट में बताइए कैसा बन रहा है रिया को देख के और ब्रेड है नहीं तो ले क्यों भाजी दे दे यार थोड़ी नहीं है अच्छी स्वाद भाजी है दे इधर भाजी दे सिम करना फटाफट मेरा भाजी आई नीड सम भाजी इतनी सारी तो भाजी है कन्नू नहीं खाता अब इस पड़ाएंगे मक्खन और नींबू यार और ब्रेड खाने का मन कर रहा है खाऊं या ना खाऊं द वर्ल्ड कन्नू पाव भाजी नहीं खाता बताओ मम्मी के हाथ की रिया ये देख क्या लाई मैं जिम आने से पहले स्पाइसी एंड आइसी ब्लू चिप्स मैंने जीजू को फोटो भी भेज दिया चढ़ाने के लिए मम्मा आपसे अच्छी पाव भाजी बनाता दुनिया में कोई तू बना लेगी लेट्स सी अगली बार मैं बनाऊंगी चलो पर फिर किसी का मन नहीं किया खाने का तो वेस्ट हो जाएगी थोड़ी बनाएगी ज्यादा नहीं बनाएगी खत्म पूरी खत्म भाई साहब ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपना खाना खा के प्लेट नहीं बाहर रख कर आते हैं हाँ तू ही है वो लड़की ये देख लो बैठ गए फिर से आलसी नंबर वन अरे यार तूने चाटा नहीं था बस इसलिए दिक्कत मम्मा ने बहुत सारे टुकड़े इसमें क्या कभी खुद तो खाया है तूने ये तो इसमें नहीं कर रही थी मैंने उठाया तो वापस नीचे गिर गया इसलिए आज भी मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी लिटरली हमारे घर पे पिछले एक महीने में 4 बार पाव भाजी बन चुकी है 2 बार लंच में 2 बार डिनर में बस अब एक बार ब्रेकफास्ट में खानी रह गई है पर हाँ मम्मी ने थोड़ी सी अपनी टेक्निक चेंज कर दी आज से जो है पाव भाजी बनाने की तो काफी अच्छी अच्छी सी बनाने लगी है मम्मी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी ठीक है